नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आरके मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग औसत का अगला वीडियो देखेंगे और इसमें पहला सवाल देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत है। 11 पारियों का औसत हमको पता नहीं है, कह रहा है कुछ औसत है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 5 कम हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद का उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। 12वीं पारी का उसका नया औसत पूछ रहा है 5 कम होने के बाद। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमको औसत नहीं पता है 11वीं पारी का। तो यहाँ पर माना औसत यक्स है, ठीक है, माना औसत यक्स है। तो क्या करेंगे हम, 11वीं पारी में कुछ औसत बनाता है तो इनका योग निकालना रहेगा, तो 11वीं पारी में औसत से गुणा करेंगे यानी 11x हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे यदि हम बराबर करें 12वीं पारी से, तो 12वीं पारी में कुछ औसत रही होगी और इसमें से 5 कम हो रहा था, तो यदि हम इसमें 12 से गुणा करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 12वीं पारी का के रनों का योग आ जाएगा। और इसमें यहाँ पे देखिए 12वीं पारी में 90 रन बना रहा है, यदि 11वीं पारी में 90 रन को जोड़ दे और इसके औसत से गुणा करके इसको जोड़ दे तो 12वीं पारी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब ये समीकरण हमारा बराबर हो चुका है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा 11x प्लस 90 बराबर 12 का x में गुणा होगा तो 12x होगा, और माइनस 12 25 60। अब देखिए यहाँ पे 11x पहले से है और ये 12x प्लस का इधर आएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, और इधर माइनस का 60 पहले से बचा हुआ है और ये प्लस का 90 आएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 11x में से 12x घटेगा, माइनस का x आएगा और बराबर यहाँ पे 9 6 15, माइनस का 150 आएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 150 आएगा। ये x का मान हमारा आ गया, हमसे कह रहा है कि 12वीं पारी में का मतलब नया औसत ज्ञात कीजिए, तो 5 कम हो रहा था ना, तो x की जगह उसका वैल्यू रख देंगे हम, तो x माइनस 5 इसमें वैल्यू रखेंगे तो x की जगह 150 होगा और माइनस का 5 होगा, तो हमारा कितना आएगा 145। और हमारा क्या आएगा, 12वीं पारी का नया औसत, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 5 बढ़ जाता है, तो 12वीं पारी का उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक बल्लेबाज है, 11 पारियों का उसका कुछ औसत है, हमको औसत नहीं पता है, तो मान लेते हैं माना औसत यक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि 11 पारियों में उसके औसत से गुणा करेंगे, कुल संख्या में उसके औसत से जब गुणा करेंगे तो हमको क्या आएगा, उसका योग आ जाएगा सभी संख्याओं का। तो 11 प्लेयरों का औसत में जब गुणा करेंगे x माने हैं, तो यहाँ पे 12वीं पारी में 120 रन बना रहा है, तो 120 रन बनाने पे क्या हो रहा है, 5 रन बढ़ रहा है उसका औसत ना, तो औसत x माने थे, इसमें 5 प्लस करेंगे बढ़ रहा है तो, और 12 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा योग हो जाएगा इन संख्याओं का। अब यहाँ पे देखिए 120 रन बना रहा है, यदि 11वीं पारी में औसत से गुणा करके 120 रन जो उसमें बना रहा है 12वीं पारी में, इसको 11वीं पारी में जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 12वीं पारी के बराबर ही हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे 11x प्लस 120 इक्वल टू 12x प्लस 12 25 60। यहाँ पे देखिए 11x यहाँ पे है, 12x प्लस का इधर आएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर में प्लस का 60 पहले से है और 120 प्लस का है इधर आएगा, माइनस का 120 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x होगा, माइनस करेंगे 11x में से 12x, तो और देखिए यहाँ पे 120 में से 60 माइनस करेंगे तो माइनस का 60 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 60 आएगा हमारा, x बराबर हमको क्या औसत हमारी 60 आई है, और यहाँ पे 5 बढ़ रहा था औसत ना, तो x की जगह पे रख देंगे x प्लस 5, यहाँ पे रखेंगे तो x का मान आया है 60 और प्लस का 5 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, नया औसत 65 आएगा, और यही हमारा क्या होगा, 12वीं पारी का नया औसत, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा।
देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी, ये औसत आयु हमको दी हुई है 25 वर्ष। फिर कह रहा है कि पति पत्नी एवं पुत्र की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए विवाह के समय 4 वर्ष पूर्व औसत आयु विवाह के समय कितना थी, 25 वर्ष। औसत आयु है, इसमें हम कुल संख्या से गुणा करेंगे तो उनके आयु का योग आ जाएगा। तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, पति और पत्नी 2 लोग हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना कितना आ जाएगा, 50। तो ये 50 वर्ष क्या हमारा आ गया, इन दोनों का विवाह के समय की आयु आ गई, यानी पूर्व आयु 4 वर्ष पूर्व आयु आ गई, कितना, 50 वर्ष। और हमको पहले निकालेंगे पति पत्नी की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे हो जाएगा हस्बैंड प्लस वाइफ की वर्तमान आयु। देखिए 4 वर्ष पूर्व तो 50 वर्ष थे, अब 4 वर्ष जब वर्तमान में आएंगे तो 4 वर्ष हस्बैंड की बढ़ेगी और 4 वर्ष वाइफ की बढ़ेगी, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 50 4 54 4 58 वर्ष। 58 वर्ष क्या हो गई, वर्तमान आयु, पति और पत्नी की वर्तमान आयु क्या आ गई, 58 वर्ष आ गई वर्तमान आयु। वर्तमान आयु पति और पत्नी की आ गई, हस्बैंड प्लस वाइफ की वर्तमान आयु आ गई 58 वर्ष। फिर कह रहा है पति पत्नी एवं पुत्र की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। यहाँ पे देखिए हस्बैंड वाइफ और सन, इन तीनों की क्या है, औसत आयु क्या है, 20 वर्ष। और यहाँ पे टोटल संख्या से गुणा करेंगे, 3 लोग हैं तो 3 से गुणा करेंगे तो इनकी वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, 20 60 वर्ष, ये तीनों की वर्तमान आयु है। अब देखिए पति और पत्नी की वर्तमान आयु 58 वर्ष है और पति पत्नी और पुत्र की वर्तमान आयु 60 वर्ष है तीनों को मिला के, तो तीनों की आयु में से इन दोनों की आयु का जब अंतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सन की आयु प्राप्त होगी ना, क्योंकि यहाँ पति और पत्नी की वर्तमान आयु दी हुई है, तो इस 60 में से क्या करेंगे, 60 वर्ष में क्या है, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, ये तीनों है वर्तमान आयु है उनका, और हस्बैंड और प्लस वाइफ की वर्तमान आयु कितनी है, 58 वर्ष। इन दोनों में से जब माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो 2 वर्ष जो आएगी ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें पुत्र ऐड नहीं है, यहाँ पे पुत्र ऐड है, तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करने के बाद जो 2 वर्ष आया है यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु आई है, यानी पुत्र उनका कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, औसत पूछ रहा है 5 गुणजों का, 5 लाइन खींचेंगे, 5 लाइन हम खींच दिए, इसके बाद 7 5 35 ये लास्ट नंबर हो जाएगा, 7 4 28 7 3 21 7 2 14 और 7 1 7। यहाँ पे देखिए 5 गुणज हो गए 7 के प्रथम 7 गुणज, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 संख्या को इधर छोड़ेंगे और 2 संख्या को इधर छोड़ेंगे, बीच में 21 आया और बीच वाली संख्या हमारा क्या होती है, औसत होती है, तो 21 हमारा क्या होगा, औसत हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों देखिए आज हम लोग पूरी तरह से औसत को कवर कर चुके हैं, इसमें जितने भी टाइप बन सकते थे हमने कोशिश किया कि आपको सरल से सरल तरीके से बताएं और बताने का प्रयास भी किया। और यदि आप लोगों को लगता है कि कोई इसमें से छूटा है किसी टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जिक्र कर सकते हैं और आप लोगों का सॉल्यूशन अवश्य किया जाएगा। और देखिए आप लोग ये आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से कोई भी पेपर हो, इस टाइम टेट हो, सुपर टेट हो, या ग्रुप डी हो, लेखपाल हो, किसी में भी ये पूछ सकता है औसत, औसत से हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है, और यह आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको अवश्य देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।